हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अल हिलाल और मुंबई सिटी एफसी के बारे में। दोनों टीम को कंपेयर करके देखेंगे कि मुंबई सिटी एफसी अल हिलाल को कितना फाइट दे सकता है। मंडे को इन दोनों का मैच है। अल हिलाल का मार्केट वैल्यू है 2059 करोड़, मुंबई सिटी एफसी का 46.2 करोड़। अल हिलाल का करंट ट्रांसफ़र रिकॉर्ड है 2813 करोड़। मुंबई सिटी एफसी का करंट ट्रांसफ़र रिकॉर्ड है 2.6 करोड़। इनका मार्केट वैल्यू देखिए और इनका मार्केट वैल्यू देखिए और इनका करंट ट्रांसफ़र रिकॉर्ड देखिए। इनका जो टॉप फाइव प्लेयर है, नेमर है, मेलकॉम है, मित्रोविच है, मिलिंकोविच है, नेवेस है, ये इनका ट्रांसफ़र मार्केट देखिएगा। नेमर 720 करोड़, मेलकॉम 480 करोड़, विन नेवेस 440 करोड़, अलेक्जेंडर मित्रोविच 421 करोड़, मिलिंकोविच सविच 320 करोड़, अलीदव कोलीवाली 184 करोड़। ये देखिए इनका नेमार, मेलकॉम, मित्रोविच, सॉरी निवेश, मित्रोविच, मिलिंकोविच एंड कोलीवाली। और इनका एक सऊदी अरेबियन डोमेस्टिक प्लेयर का है 92 करोड़, हसन अल्तमती। ये डबल है मुंबई सिटी एफसी का मार्केट वैल्यू का, 46 करोड़, ये 92 करोड़। मुंबई सिटी एफसी का अगर कुछ टॉप प्लेयर का देखें तो भैननीफ है 4 करोड़, डायज परेरा डायज है 3.6 करोड़, अल खयाती है 3 करोड़, आकाश मिश्रा 3 करोड़, विपिन सिंह 2.6 करोड़, चांगते हैं 3 करोड़ में, अपुया है 2.6 करोड़। इन दोनों टीम का अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं नहीं कम, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। कहाँ 2813 करोड़ और कहाँ 46.2 करोड़। मुंबई सिटी एफसी का चैंपियंस लीग में, एफसी चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा मौका था फर्स्ट टू मैच में। मुंबई सिटी एफसी का जो पिछला दो मैच, लास्ट टू मैच एफसी चैंपियंस लीग में जो मैच था वो थोड़ा सा आपको बताएंगे। यहाँ से ये ऑपोजिट वाला है, ये यहाँ से मुंबई सिटी एफसी अगर शुरू कर रहा है तो आपका गेम यहीं पे चल रहा है। आप बॉल पोजीशन रख के डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल रहे हो, पर ये डी बॉक्स, ये जो डी बॉक्स है, डी बॉक्स में एंट्री नहीं कर पा रहे हो। खास करके फास्ट मैच में जो नसर जी के साथ यही हुआ था, आप फुल डोमिनेटिंग फुटबॉल खेल रहे हो पर डी बॉक्स में एंट्री नहीं कर पा रहे हो। उनका जो मजबूत किला था डिफेंसिव, बहुत अच्छा डिफेंस डिपार्टमेंट था उनका, उनको आप बीट नहीं कर पाए। नौ ओवर का डिफेंस उतना पॉजिटिवली एक्टिव नहीं था अपना मुंबई सिटी एफसी वाला मैच में जैसे नसरजी मजेंद्रन का था, पर फिर भी आपने एक भी गोल नहीं कर पाया। आपका मैच यहीं पर चल रहा है, मुंबई सिटी एफसी का मैच यहीं पर चल रहा है। दोनों मैच में नौ ओवर के साथ आपको एक मौका भी मिला था, पेनल्टी मिल गया था, आप गोल नहीं कर पाए। फिर सेकंड हाफ में जो फर्स्ट 15 मिनट नौ ओवर ने फुटबॉल खेला है वो आप संभाल नहीं पाए। आपका डिफेंस दो बड़े मिस्टेक कर गए, दोनों में आपको गोल कंसीड करना पड़ा। अब देखना है अल हिलाल के साथ आप कौन से स्टाइल में फुटबॉल खेलेंगे। यही बॉल डोमिनेटिंग, यही वाला फुटबॉल आप खेलेंगे, आपको स्टाइल चेंज करना होगा, फॉर्मेट चेंज करना होगा। आपका फुटबॉल मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, आपका ज़्यादातर फुटबॉल, ज़्यादातर मैच में इस पोजीशन में अपने डी बॉक्स से लेकर सामने वाला के डी बॉक्स आप खेलते हो बॉल पोजीशनिंग रख के। आपका हर मैच में बॉल पोजीशनिंग 60% 65% रहता है, ISL में तो 70% तक चला जाता है, पर यहीं पर रहता है। AFC चैंपियंस लीग में भी दोनों मैच में आपका बॉल पोजीशन ये मिडिल पे, डी बॉक्स में एंट्री नहीं कर पा रहे हो। आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, आपको बॉल
पोजीशनिंग के साथ जो बिल्डअप फुटबॉल आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके प्लेइंग स्टाइल में ठीक है, आप खेल रहे हो, यहाँ से गेम स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ तक आप जो बिल्डअप फुटबॉल स्टार्ट कर रहे हो, बिल्डअप फुटबॉल के साथ साथ थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप जब स्पीड बढ़ाएंगे, सपोजली मैं एक बात कर रहा हूँ, सामने वाला टीम काउंटर अटैक पे आया है, उनका ज़्यादातर प्लेयर 6-7 प्लेयर आपके इस पोजीशन पे है, आप यहाँ से बॉल पोजीशनिंग स्टार्ट रख के अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, यहाँ काउंटर पे जाइए या बिल्डअप फुटबॉल पे जाइए, अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो सामने वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। आप स्पीड बढ़ा के अगर अटैक करेंगे तो यहाँ सामने वाला का प्लेयर कम मिलेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादातर प्लेयर अभी आपके हाफ में है। आपके फुटबॉल स्टाइल में लास्ट सीजन में भी मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ, आप बिल्डअप फुटबॉल खेल रहे हो पर लास्ट सीजन में आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, उस वजह से आपको सक्सेस बहुत अच्छा मिला। लास्ट दोनों सीजन में, लास्ट टू सीजन में आपके बिल्डअप फुटबॉल के साथ साथ स्पीड ज़्यादा था, पर इस सीजन में आपका स्पीड में कमी आई है। जो स्पीड में आप कमी आने के चलते आप यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सामने वाले का जितने सारे प्लेयर सब यहाँ पे जमा हो जा रहा है, तो यहाँ जब सब आ रहा है तब आपको और वो जगह नहीं मिल पा रहा है कि आप वहाँ पासिंग फुटबॉल खेले या डी बॉक्स में या बॉक्स में एंटर करें, आपको तब मौका नहीं मिल पा रहा है कि आप बॉक्स में एंटर करें। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि तब आपको यहाँ थोड़ा खाली जगह मिलेगा। मेरा कहना है अल हिलाल के साथ आप बिल्डअप फुटबॉल ही स्टार्ट करिए, डिफेंसिव फुटबॉल खेलने का कोई मतलब नहीं है। डिफेंसिव फुटबॉल खेलने जाइएगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा आपके लिए। अल हिलाल बड़ा टीम है, आप उनके साथ अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेल सकते, मैं मान रहा हूँ, पर आप ज़्यादा डिफेंसिव खेलेंगे तो 4-5 गोल आराम से निकाल लेगा, क्योंकि प्रेशर आपका यहीं पर रखेंगे वो, आप अगर डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे हो तो। अगर आप बिल्डअप फुटबॉल अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हो, अटैकिंग ज़्यादा अटैकिंग खेलने का ज़रूरत नहीं है, आप बिल्डअप फुटबॉल स्टार्ट करिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। आपके बिल्डअप फुटबॉल के साथ साथ अगर थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे तो अल हिलाल मिडफील्ड या डिफेंडर कन्फ्यूज़ होंगे, सरप्राइज होंगे। वो एकदम सिंपल सी बात है, वो 100% अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे, उनका 2 मैच में 4 पॉइंट हैं, वो फुल पॉइंट 3 पॉइंट के लिए ही मैदान में उतरेंगे और वो अटैकिंग फुटबॉल ही स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको मौका मिलेंगे काउंटर अटैक में स्पीड बढ़ा के, बिल्डअप फुटबॉल के साथ साथ स्पीड बढ़ा के आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।